बसपा सांसद रामजी गौतम ने केंद्र सरकार की खोली पोल। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर कही ये बड़ी बात। जी हां, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम इन्होंने कल राज्यसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन बिल पर अपनी बात रखी। श्रीमान जी, शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ ही देश का विकास करती है। शिक्षा ही सभी समाज के साथ विकसित राष्ट्र का निर्माण करती है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा, शिक्षित बनो। और शिक्षित बनो के उपदेश पर ही जब उत्तर प्रदेश में कई बार माने बहन जी मुख्यमंत्री बनी, तो माने बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे स्कूल, डिग्री कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने काम किया और साथ ही कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय खोलने का भी काम किया। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा, शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ, मानवर श्री कांसीराम साहब उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ, ऐसे तमाम काम जनहित में करने का काम किया। और इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ। केंद्र की भाजपा सरकार ने जो शिक्षा की नीति बनाई है उसकी उन्होंने पोल खोल दी। श्रीमान जी, साथ ही मैं उन सब बातों पर भी सरकार का ध्यान लाना चाहता हूँ जो शिक्षा के अंदर जो कमियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो बातें रखना मैं जोर चाहता हूँ। श्रीमान जी, विश्वविद्यालय बनाना बहुत अच्छा कदम है, परंतु उनमें सभी समाजों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी देना सुनिश्चित करना चाहिए। यह संविधान बसपा सांसद रामजी गौतम इन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आरक्षण का मामला भी सदन में उठाया। श्रीमान जी, विश्वविद्यालय बनाना बहुत अच्छा कदम है, परंतु उनमें सभी समाजों की जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व भी देना सुनिश्चित करना चाहिए। यह संविधान और सामाजिक न्याय की मांग है, परंतु कुछ समाजों ने इनका अवहेलना भी की है, जैसे कि विश्वविद्यालय किसी एक समाज का ही है। उदाहरण के लिए 54 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, इनमें से एक भी विश्वविद्यालय के अंदर अनुसूचित जात का कोई भी कुलपति या वाइस चांसलर नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के प्रोफेसरों की नियुक्ति का मामला भी उठाया। इसी तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय में 80 डिग्री कॉलेज संबद्ध हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति वहां पर प्रधानाचार्य SC ST का नहीं है। यही हाल राज्यों का है। उत्तर प्रदेश में 23 स्टेट विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक भी कुलपति SC ST का नहीं है। यहां तक केंद्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जात के प्रोफेसरों की नियुक्ति का प्रश्न है, तो इसमें प्रोफेसर के 204 सृजित पदों में से केवल 11 प्रोफेसरों के पद भरे गए, 204 में से 11, और 360 लीडर के पद पर मात्र 1% भरे गए। IIT की प्रवेश प्रक्रिया एवं PhD में होने वाले वाइवा के ऊपर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही IIT की मैं बात करता हूँ, IIT के अंदर 4500 वैकेंसीज आज भी खाली पड़ी हुई हैं। श्रीमान जी, PhD में बात करना चाहता हूँ, PhD के अंदर जो छात्र PhD करना चाहते हैं, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ श्रीमान जी, बस खत्म कर रहा हूँ, PhD करना चाहते हैं, उसमें 30 नंबर का वाइवा होता है, और उस 30 नंबर के वाइवा में जो SC ST OBC के छात्र होते हैं, उस वाइवा में 2, 3, 4 नंबर दिया जाता है और उनकी PhD को रोका जा रहा है। श्रीमान जी, इसलिए मैं सरकार से आपके माध्यम से अनुग्रह करता हूँ कि इस वाइवा को 10 नंबर का किया जाए, 30 नंबर से हटा करके 10 नंबर का होना चाहिए। श्रीमान जी, यही मेरी आपसे विनती है। जैसा कि गौरतलब है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार भारत में शूद्र और अतिशूद्र समाज, जिसे संविधान के अनुसार SC ST OBC कहा जाता है, उन्हें शिक्षा का अधिकार न करा गया था, जिसके कारण भारत का बहुसंख्यक समाज मुख्य धारा से पिछड़ गया था, लेकिन संविधान निर्माण के बाद भी उन्हें ये अधिकार पूरी तरह से नहीं दिया गया। उसी बात पर बसपा सांसद रामजी गौतम इन्होंने राज्यसभा में प्रकाश डाला है और सरकार से मांग की है कि इस पर ध्यान दिया जाए। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।